हेलो व्यूअर्स होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट आज हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में यस वाटर जैसा कि आप सभी को पता है वाटर जो है हमारी बॉडी का बहुत मेजर हिस्सा जो है वो पानी है सत्तर पिछहत्तर प्रतिशत जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वो पानी से कवर रहता है राइट सो वाटर इतना ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट है दैट मीन्स वाटर का वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे जो वो परफॉर्म करता है ट मींस वॉटर एक्ट एज अ वाइटल न्यूट्रियट तो आज हम ये बात करेंगे कि वॉटर क्या क्या मेजर रोल्स प्ले करता है हमारी बॉडी में सबसे पहले हम बात करेंगे वॉटर एज अ बिल्डिंग मटीरियल सॉल्वेंट रिएक्शन मीडियम रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट वॉटर बिल्डिंग मटेरियल की तरह किस तरह एक्ट करता है बिकॉज वॉटर इज प्रेजेंट इन ईच सेल टिश्यूज कंपार्टमेंट ऑफ योर बॉडी राइट सो वॉटर एक्ट एज अ बिल्डिंग मटीरियल सॉल्वेंट। वॉटर सॉल्वेंट पहले बात करते हैं सॉल्वेंट होता सोल्यूट वो चीज है जो सॉल्वेंट के अंदर घुल रही है और सॉल्वेंट वो चीज है जो सोल्यूट को अपने अंदर घुलने दे रहा है राइट right? तो सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी एंड सोलवेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी तो वॉटर एक्ट सॉल्वेंट आप हमारे डे 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 रूटीन रूटीन टू बेसिस के जो वर्क उनमें देखिए हमारी किचन में देखिए आप शिकंज भी बनाते हैं घर में आप उसमें चीनी मिलाते हैं पानी में नमक मिलाते हैं राइट दैट मींस आप किस चीज में मिला रहे हैं वाटर में वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट और वही जो आपका चीनी है नमक है दीज आर एक्टिंग एज सोलूट राइट सो हियर वॉटर एक्ट एज अ सॉलवेंट बाद दिया हुआ है देखिए वाटर एक्ट एज अ रिएक्शन मीडियम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाटर इज एन इंटर मॉलिक्यूल इट इज इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द रिएक्शंस गोइंग ऑन इन अवर बॉडी फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस होते हैं ठीक है बहुत जब हम काब साइकिल हमारी चल रही होती है कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है उन सब में वाटर जो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन हैं उनमें वाटर या तो रिएक्शन मीडियम की तरह एक्ट कर रहा है या वो एक्ट कर रहा है रिएक्टेंट की तरह या वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है राइट एंड वाटर फॉर्म्स ओरिएंटेड सॉल्वेंट शेल्स अराउंड प्रेजेंट होते हैं उसके सराउंडिंग में वाटर जो है सॉल्वेंट शेल्स बना लेता है इन शेल्स बनाने से क्या होता है वो जो आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं राइट सो वाटर एक्ट एज अ बिल्डिंग मटेरियल सॉल्वेंट रिएक्शन मीडियम रियक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेकेंडली वॉटर एक्ट एज ए करियर करियर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे करियर क्या होता है जो किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है राइट right? सो so, आप देखिए यहां एक सेल शो किया गया है सो so, इस सेल में वॉटर की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे और वेस्ट बाहर आएगा यही हमारी बॉडी का प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स गो इनसाइड द सेल एंड वेस्ट कम आउट ऑफ द सेल राइट तो ये वॉटर की मदद से हमारे पास काम हो रहा है एंड वॉटर एक्ट एज मीडियम इन विच ऑल द ट्रांसपोर्ट सिस्टम फंक्शन जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम फंक्शन कर रहे होते हैं वॉटर इनमें मीडियम की तरह एक्ट करता है वॉटर बहुत सारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं सेल्स में फ्लूड में कैपिलरीज में उनको अलाउ करता है सो दैट्स वाई वाटर एक्ट एज अ करियर नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन थर्मो का क्या मतलब हुआ हीट वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर राइट और रेगुलेट करना उसको मतलब रेगुलेट करना एज पर द नीड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट राइट तो ये कहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर थर्मो रेगुलेटर की तरह क्यों काम करता है क्योंकि वाटर हैज अ लार्ज हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत बड़ी हीट कैपेसिटी होती है दैट्स व्हाई इट कंट्रीब्यूट्स टू वार्ड लिमिटिंग चेंजेस इन बॉडी टेम्परेचर इन अ व्म और कोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि जब आप कोल्ड uh, या वार्म एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए उन चेंजेस को लिमिट करना ये वॉटर काम करता है दैट दैट मीन्स इट एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर इट हैज लार्ज हीट कैपेसिटी राइट लास्टली वॉटर एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट एंड शॉक अब्जॉर्बर वॉटर जो है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह एड करता है अलॉन्ग विद अदर विस्कस फ्लूड्स वॉटर एक्ट एज अ कहां पे फॉर एग्जाम्पल आपके सलाइवा में ज्वाइंट्स में इंटेस्टाइन सिस्टम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उन सब में जो वॉटर है इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट अलॉन्ग विद अदर विस्कस फ्लूड्स देन वॉटर एक्ट एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर फॉर एग्जाम्पल वॉटर जो है वो सेल की शेप को मेंटेन करता है राइट तो वॉक करते समय रन करते समय राइट जो शॉक लग सकता है सो इट एक्ट एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर और इसके अलावा तो ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह जब एक्ट करता है दैट मीन्स ये जो ब्रेन है हमारा और जो स्पाइन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन फंक्शनल कॉम्पोनेंट की तरह कॉज कर रहा है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आप देख सकते हैं जैसे एक फीटस का पिक्चर शो किया गया है तो जो फीटस है उसके अराउंड एक शेल बना हुआ है आप देख रहे हैं सो so, वॉटर ने उस फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुशन बना दिया है इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव कुशन अराउंड फीटस सो आपने देखा कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितने वाइटल फंक्शंस हैं जो कि वाटर कैरी आउट करता है तो आई होप आपको अगर आ, कोई ये पूछता है कि हम सीधे फूड केमिस्ट्री में बात करते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट पे स्विच कर जाते हैं प्रोटीन पे स्विच कर जाते हैं लेकिन वट अबाउट वाटर राइट तो आप बता सकते हैं कि वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में ये उसके बॉडी के बॉडी जो ह्यूमन बॉडी में वो फ़ंक्शंस कैरी आउट करता है वो ये हैं आगे फूड सिस्टम्स में वाटर किस तरह रिएक्ट करता है ये मैं आपको अपनी आने वाली कई वीडियोस में धीरे धीरे बताती रहूंगी सो स्टे ट्यून विद फूड साइटो फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दोज हुवन सब्सक्राइब येट Please subscribe my channel. Thank you. Thank you for listening.